टन 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 तारा चलती है कैनों से बारा टन 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 टन। हेलो मैम, आपने मुझे बुलाया था ना 10 बजे, मैं आ गई। अरे मैम आप आ गई, एक्सक्यूज मी, आप हमारे घर में कैसे घुस के आ रही हो, कौन हो आप? ये तेरी ट्यूशन टीचर है, आज से ना तुझे यही पढ़ाएंगी। टीचर? और ये वो भी मेरी, मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगी इनसे, कैसी है ये कार्टून जैसी। वैसे भी तूने इतनी सारी टीचर भगा दी है, लेकिन ये ना एकदम परफेक्ट टीचर है, तुझे तो यही सुधारेंगी। मैम मैं आपको जिम्मेदारी देती हूँ इस लड़की की, अगर ये कोई भी शैतानी करे, बदतमीजी करे और पढ़े ना, तो ये ना आपके ऊपर है कि आप इसमें डंडा बजाएं, थप्पड़ मारें या कुछ भी करें, बस हमें तो पढ़ाई चाहिए। रिंकी जाओ टीचर के साथ और ऊपर जाके ना पढ़ाई करो। मैम मैं आपके लिए ना चाय भिजवाती हूँ, चाहिए? हाँ 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 मैम, आप बेफिक्र रहिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छी तरह आता है। अरे मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगी इनसे ट्यूशन, मैंने कितनी बार बोल दिया, वैसे भी मैं पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि इन टीचर को तो मैं पढ़ा दूँ। क्या बोले बेटा? अरे मैं ही तो पढ़ूंगी आपसे, और कौन पढ़ेगा? अबे यार रिंकी, मम्मी ने तो गलती बता दिया। वैसे क्यों डर रही है तो इतना, तूने इतनी सारी टीचर भगा दी, और ये तो चश्मे वाली चंपू से टीचर, इसका तो ऐसे भगा देगी। इतना मत डर, अपनी ट्रिक नंबर 44 अपना और इसको घर से भगा दे। चलो मैम ट्यूशन पढ़ाने के लिए चलो। मुझे लग रहा है अब तो रिंकी सुधर ही जाएगी और पढ़ाई पे ध्यान भी देगी। इतने देर से मुझे घूरे क्या जा रही हो, पढ़ाओ ना, क्या पढ़ाने के लिए आई हो? वैसे भी मेरा दिमाग खराब कर दिया है आके यहाँ। कमीज से बोलो बेटा, कमीज से। कमीज से? कमीज तो मैंने पहनी हुई है। कमीज। Oh, I understand. तो मैं आज आपको सर्कल के बारे में बताऊंगी, सर्कल की प्रॉपर्टीज, सर्कल कैसे बनाया जाता है वो सब। ओह सर्कल, पर सर्कल तो मैम मुझे पूरा आता है। अच्छा बताना। उसके लिए ना आपको खड़ा होना पड़ेगा। चलो ठीक है। अब पीठ उधर करनी पड़ेगी। ये होता है सर्कल, समझ आया? मैडम कार्टून वाली मैम, आपने मुझे थप्पड़ मारा, अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। क्या हुआ? चश्मा। किसका? मेरा। अरे मैडम जी ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, इसको वैसे सुधारो जैसे आप शैतान बच्चों को सुधारती हो। अच्छा आपने मेरे को हाथ कैसे लगाया? हाथ क्या, ये डंडा भी मारूंगी। अगर तूने मेरे से तमीज से बात नहीं की ना, तो तेरी डंडा मार मार के पीठ लाल कर दूंगी। मार तो ज्यादा बुरी बस गई। टाइम जल्दी पढ़। गुड्डू बेटा ये आंसर किसने लिखवाया तेरे को? पता नहीं। ये तेरी टीचर ने क्या आंसर लिखवाया हुआ है, बिल्कुल गलत है ये तो। एक काम करती हूँ मैं सही आंसर लिख देती हूँ, अपनी टीचर से जाके बोलना कि मेरी मम्मी ने लिखवाया है, ठीक है? तो वो आंसर ठीक होगा। ये ले आजकल के टीचर भी ना बच्चों को कुछ भी पढ़ाती हैं। और तू क्या कर रही है, पढ़ ले ना, गुड्डू से कुछ सीख ले, मेरा बच्चा कितना पढ़ने में इंटेलिजेंट है पता है तेरे को, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ इसको। मैं इससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा कैसे बताना जरा। क्योंकि मैंने एक क्लास 3 बार पढ़ी है ना। चुप, मंद बुद्धि गई, पढ़ ले चुपचाप से। एक काम कर,
मैं तेरी तारीफ किए जा रही हूँ और यहाँ कभी नाक में उंगली देता है, कभी कान में उंगली देता है, बेवकूफ। ये ले जाके बैठ जा और इन सबको ना अपनी कॉपी में से उतरवा दे। इसका बेटा है ना इसलिए करती है। दिखाइए सारे के सारे बच्चे गुड्डू की कॉपी में से देख के चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है? और याद भी करना है उसको। संतरा खा लेते हैं। ये तो क्या कर रही है, बांध रही है? मम्मी देख रही है, प्रिया मेरे को परेशान कर रहे हैं। तू खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो। मैंने क्या बोला, चैप्टर नंबर 2 लर्न करना है। क्या शैतानी कर रहा है? झूठ बोल रहा है ये। अब नहीं चलेगा, बैठ जा नीचे। माँ से बात कर लूं? हाँ मम्मी। मैं ना ट्यूशन पढ़ा रही थी, बाद में कॉल करती हूँ, है ना? हाँ शीला खड़ी हो जा। क्या खा रही है मुंह के अंदर, क्या वो खोल? कुरकुरा। कुरकुरे? मुझे बिना खिलाए कुरकुरे खा रही है? कौन लाया कुरकुरे बता? गुड्डू ने। गुड्डू? अगर मेरे पे यकीन नहीं हो रहा ना तो विनय से रिंकी तो दोनों से पूछ लो। विनय तू खड़ा हो जा, तू बता कौन लाया कुरकुरे? मैम गुड्डू लेके आया है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं ना तो रिंकी से पूछ लो, और बाकी इसकी मम्मी की कसम यही लेके आया है। रिंकी तू खड़ी हो, तू बता कौन लाया कुरकुरे? अभी देख तेरे को कैसे पिटवाती हूँ। नहीं दीदी नहीं। यस मैम, ये दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुरकुरे ना ये गुड्डू ही लेकर आया है, हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं नहीं लेके आया। इधर आ जा, इधर आ, तू इधर आ जा, इधर आ जा। मेरा बेटा होके मेरी नाक कटवा रहा है, इधर आ। बाद में खाऊंगी संतरे, तेरा संतरा बना, तेरा संतरा बनाऊंगी। चल मुर्गा बन, बन। तू होमवर्क दिखा अपना। और क्या पूरा? तू दिखा अपना। हाँ मेरा भी कंप्लीट है, हाँ लेकिन गुड्डू का कंप्लीट नहीं है। इसका भी पूरा। रिंकी होमवर्क दिखा अपना। हाँ मैम अभी तो किया है, पूरा कंप्लीट है, लेकिन गुड्डू का कंप्लीट नहीं है। हाँ और ये तो मेरी कॉपी में मांग रहा था काम के लिए, मैंने दी नहीं। अच्छा गुड्डू खड़ा खड़ा हो, किसका काम नहीं हुआ? मेरा तो कंप्लीट है। अच्छा कंप्लीट है, जा कॉपी लेकर आ जा। अगर आज इसका होमवर्क नहीं हुआ ना ये डंडा होगा इसकी कमर। मैंने सारा काम कंप्लीट कर रखा है। रुक जा। कहाँ है दिवाली की सफाई का ऐसे? कहाँ है? इसी में ही तो था भी। अच्छा तो मतलब मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये किए जा रहा है। जा उधर जाके हाथ ऊपर कर ले। मैं नहीं बैठ रहा, जल्दी को मारती रहती हूँ और बड़ा रहा आता रही आपको। मैं नहीं बैठ रहा, मैं जा रहा हूँ। बेइज्जती करके चला गया। तुम क्या हंस रहे हो, चुपचाप पढ़ो। इसको तो मैं बताती हूँ। गुड्डू दिशा के भी आ गए, क्रिश के भी आ गए। यार ये मम्मी कब आएंगी? रिंकी के नहीं आए। रिंकी तुम्हारे मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए, बाकी सब क्या गए? सर मैंने ना मम्मी से बोला था कि 10:30 बजे ना स्कूल में पहुंच जाना पीटीएम के लिए, लेकिन मम्मी आई नहीं। जरूर घर का काम कर रही होंगी, बस आने में होंगी। हाँ आती होंगी, आने दो उन्हें। बताऊंगा तुम पढ़ाई में क्या गुल खिला रही हो, कितनी नालायक हो, सारी बताऊंगा इस बार। आज ये सर ना जरूर मम्मी से पिटवा के मानेंगे, अपने पास ट्यूशन जो लगवाना है इन्हें। सर आ गई मेरी मम्मी। अरे आ जाओ मैम, आ जाओ।
सर जी क्यों बुलाया आपने? जरूर इसने कोई कांड किया होगा, वैसे ही पूरी क्लास में चोरी करती रहती है। क्या किया तूने बता, क्या किया तूने बता? अरे मम्मी मैंने कुछ नहीं करा, सर से पूछ तो लो एक बार। क्या किया सर इसने बताना जरा। अरे नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं किया इसने, इसने ना कुछ किया ही नहीं है, पढ़ाई में कुछ किया ही नहीं है, पढ़ती नहीं है, इतनी नालायक है क्या बताऊं, जीरो, सबसे पीछे आती है पढ़ाई में, पढ़ती नहीं है। सर ये कॉपी लेकर ऐसे बैठी होती है जैसे पूरा पढ़ लेगी आज, MBA BA सब पास कर लेगी। तो ये क्या है, ये क्या गुल खिला रही है तुमको स्कूल में आके? अरे सर साइंस में तो मैंने टॉप किया है ना पूरी क्लास में, मेरे हाईएस्ट नंबर थे मम्मी। साइंस में? साइंस का दिख गया तुझे, मैथ का नहीं दिखा है? दसवें नंबर पर आ रही तो दसवें नंबर पर। क्या सुन रही हूँ मैं, कुछ करना है नहीं करना, फेल होना है बस तेरे को है? सर मैं क्या करूँ इसका, मेरे हाथ से तो निकलती जा रही है, ये किसी औलाद है? मैडम जी ऐसा ही रहा ना तो ये फेल हो जाएगी। एक काम करो, किसी अच्छे टीचर को देख के ना इसका ट्यूशन लगवा दो। हाँ सर एक है मेरे पड़ोस में, वो टीचर है, वो भी पढ़ाती है, ट्यूशन पढ़ाती है, उससे ही लगवा दूंगी। अरे मैम आप समझ नहीं रहे हो, अच्छा टीचर, अच्छा टीचर, अच्छे टीचर। हाँ सर पिछली गली में ना एक टीचर है, PhD कर रखी है उसने, उसी से लगवा दूंगी। अच्छा पिछली गली में, वैसे कहाँ रहते हो आप? अरे आपको हमारा घर तो पता ही होगा ना, हमारे घर से 5-6 गली छोड़ के उसके पीछे वाले जो मॉल है ना वहाँ रहता है वो लड़का। अच्छा वो मेरे ही तो स्टूडेंट थे, उनको कुछ नहीं आता है, मैंने सिखाया मैं सब। कुछ नहीं आता उसको? हाँ देख लो, वैसे मैं भी 4-5 बैच पढ़ाता हूँ, सारी क्लास बच्चे मेरे पास ही पढ़ते हैं। हाँ सर पूछने वाली क्या बात है, आपके पास ही लगवा देती हूँ। अरे मम्मी इनके पास क्यों ट्यूशन लगा रही हूँ, इनको खुद कुछ नहीं आता। तुझे बहुत कुछ आता है, लगवा रही हूँ ना, चुपचाप बैठ। हाँ सर। हाँ तो एक काम करो आप कल ही ना इसको मेरे पास भेज दो 3 बजे। ठीक है सर। हाँ वो फीस दे देते हैं। फीस तो मैं लाना भूल गई, मैं कल भिजवा दूंगी ना। ठीक है कल इसके साथ में भिजवा देना। हाँ तो बेटा अब जाओ, कल टाइम पर आ जाना 3 बजे, भूलना मत, ठीक है? चल। अरे मम्मी आपने इन सर के पास क्यों ट्यूशन लगवा दिया मेरा, इनको कुछ नहीं आता सच में। तेरे को आता है, है? मैंने जो किया ना सही किया है, मेरे को मन सीखा। अच्छा किया है बड़ा, ये सब चाहते ही थे कि मैं इनके पास ट्यूशन लगवा लूं। तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबरों से पास नहीं हो रहे, वो पागल है? चल तू अब जल्दी घर चल, कल ट्यूशन भी जाना है ना तेरे को। माय नेम इज अंकुश। हाय। वैसे आप कहाँ रहते हो? तुझसे मतलब पढ़ने आया ना, पढ़ ले। हाँ रिंकी आ गई तुम? हाँ जी सर। अच्छा तो वो फीस लेके आए हो ना? हाँ सर आप ना मुझे पेटीएम नंबर बता दो अपना, मैं आपको पेटीएम कर देती हूँ। हाँ लिखो 9999111111। हो गए सर 349। 349 क्यों, 350 होते हैं। अरे वो सर मेरे पेटीएम में ना 349 रुपए थे तो इसलिए मैंने 349 कर दिए। देखो मैं मैथ का टीचर हूँ और मैं हिसाब का पक्का हूँ, 350 मतलब 350। कोई बात नहीं सर मैं एक काम करूंगी, 1 रुपया ना कल ला के दे दूंगी आपको। हाँ यहाँ चले गया ना। हाँ तो चलो बच्चों पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत बकवास हो गई है, तो अपनी अपनी किताबें निकाल लो। ठीक है सर। देख लिया ना कैसे सर है, अच्छे है ना? लग तो अच्छे रहे। आज मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ, ठीक है? उससे पहले एक काम करो, ये जो पहला चैप्टर है ना इसको काट दो, दूसरा भी काट दो, ये चौथा वाला भी काट दो, पांचवा भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी काट दो, ठीक है? अरे सर आपने तो सारे चैप्टर कटवा दिए। हाँ सर बस 2 ही चैप्टर बचे हैं। बच्चों एक बात बताओ पेपर कौन बनाएगा? आप। मैं बनाऊंगा, तो मेरे को तो पता होगा ना पेपर किस में से आएगा, और वैसे भी 350 रुपये मैं किस चीज के ले रहा हूँ, तुम्हारा फायदा करवाने के लिए तो ले रहा हूँ। सही बात है। इन दोनों चैप्टर का ना तुम लट्टा मार लो, और जब तक मैं सब्जी काट लेता हूँ, और कल आके ना सारे क्वेश्चन लिखवा दूंगा पेपर में जोन से आने हैं, ठीक है? अजी कहाँ रह गए, सब्जी काट लो ना। आया। देख लिए कैसे सर है? यार तुम्हारे इसलिए नंबर ज्यादा आते हैं क्या? और क्या, मैंने चैप्टर नंबर 4 तुम्हें करा दिया है, घर से लर्न करके लेकर आना है, ठीक है? अब चलो जल्दी से काम करो।
ठीक है मैम, आप ना मेरी जल्दी से कॉपी चेक कर दो, मुझे ना पार्लर जाना है मेकअप कराने के लिए। मेकअप कराने पार्लर क्यों जाना है, तुम घर पे भी कर सकती हो। पर कैसे? ये देख, मामा अर्थ का हाइड्रो ग्लो सीसी सीरम, इसमें है विटामिन सी फॉर इंस्टेंट ग्लो एंड हाइरोनिक एसिड फॉर ऑल द हाइड्रेशन। ये लाइट वेट सीरम टेक्सचर में है जो स्किन को ब्राइटर और ग्लोइंग करता है और फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। एंड ये नरिशिंग नेचुरल आईज चीक्स एंड लिप टिंट, इसमें विटामिन सी बीटरूट रोज एंड कोको है। एज पर शेड ये मल्टीपर्पज लिप चीक एंड आई टिंट है और ये मिरर पैकेजिंग में ट्रेवल फ्रेंडली भी है। वाओ, पर मैम ये मेरी स्किन को हार्म तो करेगा ना? बिल्कुल नहीं, मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड, नेचुरल और केमिकल एंड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं। और तो इसके प्रोडक्ट अमेज़न, पर्पल, फ्लिपकार्ट, नाइका और मामा अर्थ ऐप से भी बाय कर सकती है। और मेरा कोड रिंकी 2023 यूज़ करेगी ना तो तुझे 20% ऑफ भी मिलेगा mamaearth.in और mamaearth ऐप पर। mamaearth ऐप पर यूजर्स को अर्ली सेल्स और डिस्काउंट का एक्सेस मिलता है। कमाल है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करूँ? चल मैं यूज़ करके बताती हूँ। अप्लाई सीसी सीरम, देख बोतल को थोड़ा शेक करके सीरम को एप्लीकेटर से फेस पर लगाना है। देखा तूने, ये मेरी स्किन में मर्ज हो गया है। स्किन कितनी ब्यूटीफुल, ऑयल फ्री, ब्राइटर और इंस्टेंट ग्लोई लग रही है। ये लॉन्ग लास्टिंग है और 3 शेड्स में अवेलेबल है, वेनिला, पीच एंड हनी। मामाअर्थ सीसी सीरम, वैसे तुझे पता होगा यूजली बीबी और सीसी क्रीम्स काफी हैवी टेक्सचर्स की होती है, पर ये फर्स्ट टाइम सीसी प्रोडक्ट है सीरम टेक्सचर में। टैब लिप चीक एंड आई टिंट, टिंट को आईज चीक्स लिप पर लगाना, देखा तूने कितना इजीली ब्लेंड हो गया है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है। ये 3 शेड्स में अवेलेबल है, बीट रेड, कोको न्यूट, रोज पिंक, एवरीडे टिंट। देखा तूने, दोनों प्रोडक्ट से मेरा एक नेचुरल ब्यूटीफुल लुक प्रिपेयर हो गया। देखा बेटा तुमने, मैंने 2 प्रोडक्ट यूज करके एक ब्यूटीफुल लुक प्रिपेयर किया है। तुम भी शादी में जा सकती हो ये प्रोडक्ट यूज करके, कोई भी ओकेशन हो, जस्ट ले इट ऑल। हाँ रिंकी, रिंकी जल्दी बाहर आ जा, 4 बजने से सिर्फ 5 मिनट हैं। और तेरे को पता है स्टेज से लेट हो जाएंगे, तेरी वजह से ना मैडम हर बारी मेरे को डांटती है। अबे पागल है क्या, इतनी तेज तेज चिल्ला रही है, अगर मेरी मम्मी ने या मेरे भाई ने सुन लिया ना आज टेस्ट है तो वो ना मेरी जान ले लेंगे। मैं ना पूरी रात नहीं पढ़ी हूँ, बस गेम खेल रही थी। यहाँ तो तू बच गई, अब जो सर मारेंगे उसका तेरे को अंदाजा भी नहीं है। चल अब जल्दी। यार तेरे को ना टेस्ट देने की कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है, मेरे को तो नहीं रहती इतनी जल्दी। हाँ बेटा पेपर सर पे है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ मैं टेस्ट दूंगी कैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। यार देख, अगर तू मेरे साथ बैठी होगी तो मैं तेरे को दिखा दूंगी, अगर हम दोनों की सीट अलग अलग हुई तो फिर तेरे ऊपर की बात है, तुझे खुद ही करना पड़ेगा अपने आप। सुनना मैं क्या कहती हूँ, क्या आज ट्यूशन ही नहीं जाते, ट्यूशन का बंक कर लेते हैं। अच्छा बेटे, सर को पता चल गया ना तो तू उनसे भी इतना गंदा पिटेगी और फिर तेरी मम्मी को भी बता देंगे, फिर तो तू देख ही लियो। अबे पागल है क्या, मम्मी को कैसे पता चलेगा और सर को कैसे पता चलेगा? देख तू और मैं बंक कर रहे हैं, अगर तू सर को नहीं बताएगी, मैं सर को नहीं बताऊंगी तो सर को पता नहीं चलेगा, अगर सर को पता नहीं चलेगा तो मम्मी को पता नहीं चलेगा, और अगर मम्मी को पता नहीं चलेगा तो हमें डांटनी पड़ेगी, पिटाई नहीं खानी पड़ेगी। तो चलते हैं ना यार। तेरी बातों में नहीं आने वाली, तेरे माथे पे पागल लिखा है। हाँ लिखा तो है। मजबूती मैं नहीं जाऊंगी बंक पे। और हाँ जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? बीकानेर, बीकानेर चलते हैं ना। पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों तू ट्यूशन की फीस नहीं लेकर आई? ओ बेटे अब पता चला तेरी इतनी देर से नजर मेरे पैसों पे थी, मैं नहीं खिला रही। नहीं नहीं पैसों पे नजर थोड़ी ना थी, बस मेरा समोसे खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज खिला दे, प्लीज खिला दे, मैं भी खिलाते तुझे हमेशा खिलाती हूँ अपनी ट्यूशन की फीस से, प्लीज खिला दे। ट्यूशन का टेस्ट कौन देगा, तेरे चाचा? तो एक काम करेंगे, ट्यूशन हम 15 मिनट पहले चले जाएंगे, तू 15 मिनट में अपना टेस्ट पेपर दे दियो और मैं बोल दूंगी सर अब तो 15 मिनट बचे हैं, मैं नहीं दे पाऊंगी। चल हाँ
खाना है, जल्दी जल्दी ऑर्डर कर ले। हाँ हाँ कर ही रही हूँ, मुझे लग रहा है तुझसे पैसे रोके नहीं जा रहे हैं, सोच रही सारे पैसे रिंकी अभी खर्च कर दे। हाँ मैं क्या सोच रही हूँ, बर्गर खा लेते हैं, समोसा कैंसिल करते हैं, बर्गर खाते हैं। बर्गर कितने तक का आएगा बर्गर? बस 39 रुपए का तो है। 39 कितने हो? 39 एक सेकेंड। 39 प्लस 39 78 300 रुपये में तो 100 रुपये तो ऐसे ही खा लेगी, टीचर को क्या दूंगी? हाँ तू मेरे खाने पीने पे ऐसे ही करती है, और जब मैं अपनी 300 रुपये की फीस में से 250-300 रुपये तुझे खिलाती हूँ उसका कुछ नहीं। मैंने कितनी बार तो मम्मी से झूठ बोला है कि मेरे पैसे खो गए, तब तेरे को शर्म नहीं आती? अब मंगा दे चुपचाप से। तू तो बोलेगी नहीं, मैं ही बोलती हूँ। भैया एक काम करो, दो बर्गर कर दो हमारे लिए। खा ली ना, देख क्यों रही है? हाँ मैं यही वेट कर रही थी तू कब बोलेगी और कब मैं खाना स्टार्ट करूंगी। क्या तू नहीं खा रही ना? एक काम करेंगे, इसको ना मैं पैक करा के ले जाऊंगी, ट्यूशन के बाद खा लूंगी। हाँ ले जाइयो खड़काई की। चलो वैसे भी 15 मिनट बचे, पेपर भी देना मेरे को। हाँ हाँ चलते हैं ना, इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ। हाँ तो सारे बच्चों ये 6th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? सारे बच्चों? मैं तो अकेला हूँ। पर किधर, दोनों बेस्ट फ्रेंड लेट आ रही हो, तुम्हारा रोज का हो गया खाती? सर हाँ सर मेरे घर पे थी ये। तेरे घर पे क्या कर रही थी? वो सर देखो मैं ना लेट थी आज, और मुझे बुलाने के लिए ये मेरे घर पे आई, और जब ये मेरे घर पे बुलाने के लिए आई ना फिर हम दोनों लेट हो गए, इस चक्कर में हम लेट हैं आज। ए भगवान, एक तो लेट, ऊपर से तुम्हारे बहाने, और तेरी तेरी तो 2 महीने की फीस बच रही है, खाए? वो सर फीस तो मैं लाई थी, पर रास्ते में मेरे 100 रुपए खो गए। 100 रुपए खो गए? कैसे खो गए? हाँ सर सही बोल रही है, इसके ना 100 रुपए खो गए, और मैं असली बात तो बताने ही भूल गई, जब इसके 100 रुपए खो गए ना तो हम रास्ते में इसके 100 रुपए ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते हमें लेट हो गया और पैसे भी नहीं मिले। तुम तो ना कल मेरी फीस आ जानी चाहिए, ठीक है? हाँ सर आ जाएगी जरूर आएगी। और तुम दोनों एक उस कोने में और एक उस कोने में बैठ जाओ, और गुड्डू इनको सवाल बता दे, जल्दी जाके टेस्ट दो। ठीक है सर। मेरे को पता है खा गए तेरे 100 रुपए, चलो टेस्ट दो। कौन कौन सा बताया सर ने? ये और ये। यार शीला मुझे तो ना ये आता है ना ये आता है, मुझे तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, अब क्या करूं? अरे तुम मेरे को क्या बता रही है, जाके सर को बताना। चल ठीक है एक बार ट्राई करती हूँ। सर क्या है? मैं टेस्ट पेपर कल दे दूं, वो ना मैं आज प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे, चुपचाप टेस्ट दे। सर प्लीज मुझसे ना कल ले लेना, वैसे भी जब मुझे टेस्ट में कुछ नहीं आता मेरे 0 नंबर आएंगे, तो इसलिए मैं कल ही दे दूंगी। कुछ नहीं आता? नहीं। चलो कोई नहीं, इधर आ। मान गए सर, आती है सर, क्या हुआ? सर कल दूंगी। यस सर। ये हाथ पे क्या लगा है? नहीं देगी सर, मैं तो कह रहा हूँ दिमाग पे मारो इसके। रिंकी तू क्या कर रही है? कुछ नहीं पढ़ रही थी। पढ़ रही है? ट्यूशन नहीं जाना क्या? नहीं मैं नहीं जा रही ट्यूशन। क्यों? मैंने छोड़ दिया वो ट्यूशन। क्यों नहीं जाना भाई ट्यूशन, डेली डेली छुट्टी मारती रहती है, हैं? अबे मेरे को ना वो सर वैसे भी पसंद नहीं थे, और कुछ आता ही नहीं था उन सर को, बस एक दो चैप्टर पढ़ाए, अभी तक कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया वहाँ से। यार तू बात तो सही कह रही है, मैं भी छोड़ ही देती हूँ, मम्मी को बोल दूंगी मेरे को नहीं जाना ट्यूशन। अबे रुकना पागल है क्या, तू क्यों छोड़ रही है ट्यूशन? तू उन सर के पास ही ट्यूशन रख। क्यों भाई क्यों, जब तू छोड़ रही है तो मैं नहीं छोड़ सकती, दोस्त एक जगह पे तो रहेंगी ना। अबे मेरी बात समझ,
तू ना उन सर के पास ही ट्यूशन रख। सर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं ना ईयर के बाद में, तो तू ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे बता दियो। और जिन सर के पास मैं ट्यूशन लगा रही हूँ ना एक महीने के लिए, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे वो मैं तुझे बता दूंगी। सही है ना? सही कह रही है। तेज मत चलियो, तू हर टाइम तेज चलती है, बता दियो याद से। अरे बेफिक्र रहे, मैं ना सारे बता दूंगी तेरे को, तू भी बता दियो मेरे को। हाँ ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ, लेट ना हो जाओ। चल ठीक है। मैं भी एक काम करती हूँ, अपने नए वाले ट्यूशन के लिए निकल जाती हूँ।